तो आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत गांधी को पढ़ेंगे। यानी गांधी जी के नेतृत्व में जब भी हमारी राष्ट्रीय आंदोलन आती है तो विशेषकर 1920 से 1947 के पीरियड को हम गांधीयन एरा के रूप में जानते हैं, गांधी का युग। और जब मॉडर्न इंडिया का इतिहास पढ़ने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि गांधी के जो कार्यक्रम है और गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व दिया तो उसको कैसे हम समझें, किस प्रकार से हम इस पर अपनी अवधारणा को बेहतर रूप से स्थापित करें और प्रश्न को हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। क्योंकि जो गांधी का एरा है या गांधी की जो राजनीति है वो पहले की राजनीति से पूरी तरह से भिन्न थी, डिफरेंट थी। डिफरेंट इस मायने में भी थी कि पूर्व की जो राजनीति थी उसे सफलताएं भी कम मिली थी, उनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट थी। और गांधी जब आते हैं 1920 के बाद, जिस एरा की हम बात करते हैं, तो इस एरा से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक मास मूवमेंट के रूप में परिवर्तित होता है। तो क्या चीज़ होता है, गांधी में क्या चीज़ था जिन्होंने पूरे नेशनल जो मूवमेंट है, हमारी राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको एक जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित भी किया। और एकाएक के गांधी के आने से राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि संवैधानिक सुधार आंदोलन से प्रारंभ हुआ था उदारवादियों के काल में, और वादियों ने हालांकि स्वशासन की बात की, लेकिन गांधी के एरा में उस स्वराज्य की बात आती है, स्वराज से स्वतंत्रता के रूप में परिवर्तित होती है। और फिर लास्टली गांधी के नेतृत्व में हमारा देश 1947 को आज़ाद होता है। तो इस संपूर्ण आज़ादी की जो कहानी है उसमें गांधी की क्या भूमिका है और गांधी ने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा दी, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन गांधी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गांधी के बारे में, कि अगर गांधी के मूवमेंट को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो गांधी की आइडियोलॉजी जो है या गांधी की जो थॉट है आप उससे प्रारंभ करने का प्रयास करें। जब भी मेरे अनुसार अगर आप गांधी के आंदोलन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, गांधी की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं, क्यों गांधी अन्यों से भिन्न थे या गांधी नहीं होते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होता, अगर इसको समझना है तो सबसे पहले हम गांधी की आइडियोलॉजी को समझना होगा। इसलिए जब भी गांधी को आप पढ़ने जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण डायमेंशन जो होगा गांधी के बारे में वो गांधी की आइडियोलॉजी होगी। आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद जो है आप गांधी की स्ट्रेटजी जो है गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन में एक के भिन्न स्ट्रेटजी का अनुसरण किया आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। और गांधी की जो आइडियोलॉजी है उसी पर आधारित उनकी स्ट्रेटजी है, दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण डायमेंशन है गांधी के बारे में, इसके अंतर्गत गांधी के लीडरशिप में कई मूवमेंट, मास मूवमेंट शुरू किए गए हैं, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खीरा सत्याग्रह, लेबर मूवमेंट,
ऑफ अहमदाबाद रोलेक्ट सत्याग्रह नन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. ये गांधी के लीडरशिप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण आंदोलन हैं. तो इन आंदोलनों को भी अगर हमें समझना है तो इसके लिए गांधी की आइडियोलॉजी स्ट्रेटजी के साथ जोड़कर ही हम मूवमेंट को समझ सकते हैं. अगर आप सुन्नी मूवमेंट को समझने का प्रयास करते हैं तो कभी भी आप इससे कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न का सही संदर्भ में आप आंसर लिख सकें. दूसरा, जब आप मूवमेंट को पढ़ने जाएं तो इसमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है. एक तो नेशनल लेवल पर क्या हो रहा और दूसरा रीजनल लेवल पर भी ध्यान देना है. इसके दो आयामों को आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल लेवल पर जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर रहे हैं तो आखिर 1920 में इसके पहले का जो आप मूवमेंट देखते हैं तो उस मूवमेंट में जन भागीदारी बहुत ही कम है. और 1920 में एकाएक जो है हमारी राष्ट्रीय आंदोलन तो जन राष्ट्रवाद का रूप तो ग्रहण करती ही है लेकिन देश के अधिकांश भागों में मास मूवमेंट होता है और बड़ी संख्या में जनता की भागीदारी होती है. तो क्या इस समय कुछ रीजनल लेवल पर कुछ एक्टिविटी हो रही थी? जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक गांधी के मूवमेंट को आप नहीं समझ सकते. ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको समझें. एक अन्य जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्वतंत्रता और भारत का विभाजन. एक तरफ भारत स्वतंत्र होता है और दूसरी तरफ इंडिया का डिवीजन होता है. तो स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के संदर्भ में भी हमें गांधी को ध्यान में रखना होगा क्योंकि आमतौर पर कुछ लोग ये आरोप लगाते भी हैं गांधी पर कि गांधी चाहते तो देश का विभाजन नहीं होता. तो खास करके 1942 के बाद 1945 से लेकर 1947 तक जो गांधी की गतिविधि है इसमें गांधी की भूमिका को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है. और वहाँ भी गांधी की जो आइडियोलॉजी है गांधी की जो रणनीति है गांधी की जो विचारधारा है गांधी के जो कार्य करने के तरीके हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको समझना है. और लास्टली आपको एक क्रिटिक्स भी गांधी के संदर्भ में डेवलप करना है कि आखिर गांधी ने कहां कहां पर गलतियां की है. आज तरह के क्रिटिक्स नहीं करना है. ध्यान ये रखना है कि गांधी को समझने की ज़रूरत न केवल एक सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को है बल्कि मैं समझता हूं कि देश के आम नागरिक को भी आज ज़रूरत है गांधी को समझने की. राइट? क्योंकि इंडिया में अगर हम रह रहे हैं और भारत में हम रह के और गांधी को नहीं अगर समझते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है. हमारे पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि हम गांधी को सही संदर्भ में नहीं समझें. तो हम इन सारे डायमेंशन पर बात करेंगे.
और इस सारे डायमेंशन के माध्यम से हम लोग गांधी को होलिस्टिक वे में समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ प्रश्न का हम विश्लेषण भी करेंगे कि कैसे आप प्रश्नों को लिखेंगे, उस प्रश्न का कोर डिमांड क्या है और उसके अनुरूप जो है आप अपने कंसेप्ट को डेवलप करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग गांधी के अंतर्गत गांधी की आइडियोलॉजी पर बात करें और जब आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं या थॉट की बात करते हैं तो गांधी की जो आइडियोलॉजी है या थॉट है ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के डेट में और भी ज़्यादा रिलेवेंट है। आज के डेट में गांधी की आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन बनना बहुत ही रिलेवेंट है और आप देखेंगे कि लगातार आ भी रहा है ना, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि गांधी नहीं होते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा होता, राइट? इसलिए आइडियोलॉजी को हमें समझना है और आइडियोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले तो आप डायमेंशन उसके समझ लीजिए, फिर मैं एक एक करके बात करूंगा कि गांधी की आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो डायमेंशन है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहला जो डायमेंशन गांधी की आइडियोलॉजी का है, इसमें हम बात करें पॉलिटिकल थॉट। गांधी के राजनीतिक विचारधारा क्या था और बेसिकली गांधी ने अपने थॉट को, अपनी विचारधारा को, गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा 1909 ईस्वी में, राइट? और ये पुस्तक गांधी ने 10 दिनों में लिखा था जब गांधी लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो जहाज पर ही गांधी ने इस पुस्तक की मूल रचना गुजराती में किया था और बाद में उसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये 10 दिनों तक गांधी ने लगातार उसको लिखा जहाज पर और क्या हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो हमें मिलता है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये बता रहा हूँ कि वो 10 दिन में लिखे थे और ये भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि गांधी जब दाएं हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे तो गांधी ने बाएं हाथ से भी उस पुस्तक को लिखा है। लगभग 40 पेज गांधी ने उसमें बाएं हाथ से लिखा है और ये पुस्तक संवाद शैली में लिखी गई है। संवाद शैली का मतलब हुआ कि पाठक के गांधी बनाते हैं, भारत की जनता पाठक हैं, अंग्रेज भी हैं और वार्तालाप शैली में है पुस्तक, राइट? और इस पुस्तक से गांधी के जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में हमें संपूर्णता में जानकारी मिलती है, ठोस जानकारी मिलती है और इसी पुस्तक में हमें गांधी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थॉट है वो है स्वराज की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्वराज। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप नेशनल मूवमेंट को पढ़ने जाएंगे तो 1885 से 1905 के बीच का जो हमारा नेशनल मूवमेंट था इसको उदारवादी युग हम कहते थे, मॉडरेट एरा। और मॉडरेट एरा के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो गोल था, जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य था संवैधानिक सुधार, यानी संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारतीय जनता के हालात में सकारात्मक परिवर्तन करना। ये 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1885 से 1905 तक यही उनका लक्ष्य रहा, राइट? बाद में 1905 में जब बनारस में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुए तो उसमें उन लोगों ने स्वशासन की बात की और 1906 में जब कलकत्ता आती है तो उसमें स्वराज की भी बात की गई है। स्वराज्य की जो अवधारणा है
ये बाल गंगाधर तिलक के कंसेप्ट में मिलता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और लाला लाजपत राय के भी कंसेप्ट है स्वराज पर एक्सट्रीमिस्ट लोगों का। तो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने स्वराज की जो कंसेप्ट को डेवलप किया उसको सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में ही उन लोगों ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश शासन के अंदर ही हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए, राइट। गांधी का जो स्वराज्य की अवधारणा है यह बहुत ही व्यापक है, ध्यान ये रखना है। गांधी एरा में जब राष्ट्रीय आंदोलन होता है, खास करके जब 1920 ईस्वी में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो उसमें गांधी ने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम एक साल के भीतर स्वराज प्राप्त करेंगे, स्वराज, राइट। और उस स्वराज को गांधी ने 1920 में व्याख्यात नहीं किया था, इंटरप्रेट नहीं किया था। और जब 1922 ईस्वी में गांधी ने चौड़ा चौड़ी घटना के बाद अशोक आंदोलन को स्थगित किया, तो लोगों ने पूछा कि आपने तो कहा था एक साल के भीतर स्वराज मिल जाएगा, स्वराज नहीं मिला। तो गांधी ने कहा कि मेरा स्वराज का मतलब देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। जो आप समझ रहे थे कि स्वराज का मतलब देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना है, मेरा स्वराज का मतलब ये नहीं है। तो गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी उसमें स्वराज की अवधारणा की व्याख्या की है। इसलिए गांधी के अनुसार स्वराज की अवधारणा क्या थी, किस चीज़ को गांधी स्वराज कहते थे, जब तक इसको हम नहीं समझेंगे तब तक पूरे गांधीयन मूवमेंट को हम नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि गांधी के आंदोलन का लक्ष्य भी है भारत का स्वराज प्राप्ति, ध्यान ये रखना। गांधी अपने आंदोलन में बार बार ये बात कहते हैं कि मेरे आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है स्वराज प्राप्त करना। तो स्वराज का मतलब क्या है, इसको गांधी ने हिंद स्वराज में दो तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया है। पहला सेल्फ रूल और दूसरा सेल्फ गवर्नमेंट। और होम रूल, ध्यान ये रखना है कि जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे आप पूरे गांधीयन जो मूवमेंट है, गांधी के जो कंट्रीब्यूशन है, उसको आप सही संदर्भ में नहीं समझ सकते हैं। और मैंने कहा कि गांधी को समझने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम गांधी की विचारधारा से शुरू करें, क्योंकि इसी विचारधारा से गांधी ने अपने लक्ष्य भी निर्धारित किए थे। और गांधी का लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। ये सेल्फ रूल जो कंसेप्ट है इसको गांधी ने अपने आंदोलन का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। गांधी के अनुसार स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल। और सेल्फ रूल की व्याख्या गांधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखे, ध्यान ये रखना। गांधी कह रहे हैं कि स्वराज का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे और खुद पर शासन करे। गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेज यहां से चले जाएंगे और वो स्वराज होगा, ये गांधी का अर्थ नहीं था। गांधी कह रहे हैं आत्मनियंत्रण की बात कर रहे हैं, सेल्फ नियंत्रण की बात कर रहे हैं। और इसलिए गांधी ने कहा कि 1922 में जब लोगों ने गांधी की आलोचना की तो गांधी ने कहा कि स्वराज का जो मतलब आप ले रहे थे वो मतलब हमारा नहीं है। अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे और उसी व्यवस्था को हम अपना लेंगे तो ये स्वराज्य नहीं है। स्वराज का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर अनुशासन बनाए रखे, अपने ऊपर आत्मनियंत्रण बनाए रखे, दूसरे का शोषण नहीं करे, दूसरे पर अत्याचार नहीं करे, दूसरे के साथ अन्याय नहीं करे, ये है स्वराज।
यानी स्वराज्य जो है भौतिक पदार्थों के माध्यम से नहीं आएगी, ये नैतिकता के माध्यम से आएगी। स्वराज की स्थापना नैतिक बल के माध्यम से होगी, मोरलिटी के माध्यम से होगी। और सेल्फ जो गवर्नमेंट है वो ऐसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर शासन करते हुए शासन में भागीदारी करे, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात गांधी कर रहे हैं। और गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने पर शासन करेगा तो राज्य जैसी हिंसक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांधी ने राज्य की भी आलोचना की है। गांधी ने कहा कि अगर हम सभी अपने ऊपर शासन करना शुरू कर दें तो हमें ये पुलिस और ये प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? इस सेल्फ रूल को आगे गांधी ने इसके साथ मोरलिटी को तो जोड़ा ही, नैतिकता को तो जोड़ा ही, आत्मा की बल को जोड़ा, और फिर इसे गांधी ने धर्म का राज्य के रूप में भी व्याख्या की और इसे रामराज के रूप में भी व्याख्या की। आमतौर पर गांधी के स्वराज्य के अंतर्गत जो रामराज की अवधारणा है, उस रामराज की अवधारणा को लोग गलत संदर्भ में लेते हैं। हम बात करेंगे गांधी के धर्म की अवधारणा भी बात करेंगे, धर्म के संदर्भ में गांधी की अवधारणा की बात करेंगे। गांधी ने ये बात की कि रामराज का मतलब है ऐसा राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के कल्याण की चिंता करे। आप अपने कल्याण की चिंता नहीं करें, आप दूसरे की कल्याण की चिंता करें। समाज में इतनी नैतिकता का विकास हम करें कि हर कोई दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे, और जब हर कोई दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेगा तो फिर कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, अनाचार नहीं करेगा, दुराचार नहीं करेगा, कोई किसी के साथ न्याय नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। ये स्वराज्य होगी, राइट? इसको गांधी ने स्वराज्य कहा, जिसको सुमित सरकार कहते हैं कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो हवा हवाई लक्ष्य था, हवा हवाई लक्ष्य, कभी प्राप्त नहीं होने वाला लक्ष्य, क्योंकि गांधी नैतिकता की बात कर रहे थे। लेकिन गांधी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे और उन्होंने इसके माध्यम से अपनी अवधारणा को सामने रखा। दूसरा जो पॉलिटिकल अवधारणा गांधी की है, पॉलिटिकल अवधारणा की बात मैं कर रहा हूँ, इस अवधारणा में गांधी ने पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच इंटीग्रेशन करने पर बल दिया। ध्यान ये रखना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होती है और जब मोडेट आंदोलन होती है 1885 से 1905 ईस्वी तक, तो भारत के इतिहास में मॉडर्न इंडिया में 1885 से 1905 तक का जो आंदोलन है और वहाँ के जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय वस्तु है। राजनीति और धर्म में पृथक्करण होना चाहिए, राइट? उग्रवादी नेताओं ने, एक्सटर्मिस्ट जो नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया, राइट? लेकिन उनके जो धर्म का राजनीति में जो इस्तेमाल का कंसेप्ट था और गांधी के धर्म का राजनीति में इस्तेमाल का कंसेप्ट है, वो क्वाइट डिफरेंट है। गांधी कह रहे हैं कि अगर राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होता है तो राजनीति प्राणविहीन होगी, अनैतिकता पर आधारित होगी,
राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन के रूप में होगा। लेकिन राजनीति में यहाँ गांधी के धर्म का मतलब क्या है, तो गांधी यहाँ मोरलिटी की बात करते हैं, धर्म का मतलब नैतिकता की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं। गांधी कहते हैं कि जब राजनीति में हम इथिक्स को निकाल देंगे, हम मोरलिटी को निकाल देंगे, तो राजनीति सेवा नहीं रहेगा। आज की राजनीति में कहीं मोरालिटी नहीं है, कहीं नैतिकता नहीं है, और इसलिए गांधी धर्म की जो बात कर रहे हैं उसका मतलब किसी रिलीजन से उसका संबंध नहीं है। ध्यान ये रखना है कि गांधी के शब्दों में गांधी कह रहे हैं कि राजनीति नैतिकता आधारित होनी चाहिए, मूल्य आधारित होनी चाहिए, राइट। जैसे कि स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे, जब स्ट्रेटजी गांधी का हम पढ़ेंगे तो स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे कि गांधी ने भारतीय राजनीति में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, और वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है मूल्य आधारित पॉलिटिक्स था, नैतिकता आधारित पॉलिटिक्स था। और इसलिए जब गांधी रामराज की बात करते हैं, जिसे कुछ लोग गलत ढंग से व्याख्या करते हैं कि गांधी एक तरह से हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ गांधी नैतिकता पर आधारित राज्य की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, राइट। और गांधी का पूरा कंसेप्ट है कि जब भी हम राजनीति से धर्म को बाहर कर देंगे, राजनीति प्राण विहीन हो जाएगी, नैतिकता विहीन हो जाएगी, राजनीति में अत्याचार बढ़ जाएगा, अनाचार बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, राजनीति में सेवा भाव समाप्त हो जाएगा, जन कल्याण की भावना समाप्त हो जाएगी, और इसलिए राजनीति और धर्म के बीच समायोजन की बात गांधी कर रहे हैं। इसलिए गांधी को समझने के लिए, और इसी कंसेप्ट के कारण गांधी ने जब 1920 ईस्वी में अशोक आंदोलन प्रारंभ किया, तो उसके पहले गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी की बेसिक आइडियोलॉजी उसमें ये थी कि अगर हम नैतिकता पर आधारित राजनीति शुरू करेंगे, उससे राजनीति में नैतिक बल का समावेश होगा, आत्मबल का समावेश होगा, और इससे राजनीति शुद्ध होगी, उसमें प्योरिटी आएगी, राइट। इसलिए जब भी गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं, पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, तो हमें इससे डायमेंशन को ध्यान में रखना है कि गांधी राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के पक्षधर थे, लेकिन उस धर्म के इस्तेमाल के पक्षधर नहीं थे जो आज हो रही है, या जिसको जिन्ना ने धर्म के रूप इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया। वो नैतिकता की बात कर रहे थे, वो मोरालिटी की बात कर रहे थे, वो आचरण संहिता की बात कर रहे थे। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर गांधी ने कंसेप्ट आपको पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत दिया, उसमें गांधी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन की आलोचना किया है। देखो, गांधी जब अपनी विचारधारा को भी रखते हैं, और विशेषकर जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के दौरान जो उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस से गांधी एक नया थॉट डेवलप करते हैं, और उस थॉट के अंतर्गत गांधी ने ये बात देखा कि भारत जो है अंग्रेजों के द्वारा शोषित नहीं है, भारत अंग्रेजों के द्वारा गुलाम नहीं बनाया गया है, बल्कि भारत आधुनिक सभ्यता के द्वारा गुलाम बनाया गया है, आधुनिक सभ्यता के द्वारा गुलाम बनाया गया है। इसलिए गांधी आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हैं, और गांधी कहते भी हैं कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया है, बल्कि हमने अपनी आज़ादी उन्हें दे दी है इस आधुनिक सभ्यता के चक्कर में।
अब देखो एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब गांधी की आप मूवमेंट को समझने का प्रयास करेंगे, इस पर मैं बात अभी करूंगा, कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो शासन को वैचारिक आधार देने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम सभ्यता मिशन पर आए हुए हैं, हम भारत में भारतीयों का शोषण करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, एंड व्हाइट मैन बर्डन भी। तो जो सिविलाइजेशन मिशन की अवधारणा उनकी थी और उसे सिविलाइजेशन मिशन के अंतर्गत अंग्रेजों ने विश्व को दो भागों में बांट दिया था, एक तरफ पश्चिम के लोग जो अपने आप को सभ्य कहते थे और जो पूरब के लोग हैं, जो एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग हैं, उनको उन लोगों ने असभ्य बर्बर करार दिया था और अप्रोच डेवलप किया था कि हम आपको आधुनिक सभ्यता के माध्यम से सभ्य बनाएंगे, राइट। इसलिए गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो गांधी कह रहे हैं कि भारत उपनिवेशवाद के द्वारा शोषित नहीं है, बल्कि भारत को आधुनिक सभ्यता के द्वारा रौंदा गया है। अब आधुनिक सभ्यता का उनका मतलब क्या है? गांधी कह रहे हैं कि जो ये आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये है प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का, और ये औद्योगिकरण जो है समाज में भौतिकवादी सोच का डेवलपमेंट करता है, मेटलिस्टिक सोच का डेवलपमेंट करता है, व्यक्ति को भौतिकवादी बनाता है, और यहाँ मशीन का जो भूमिका है वो समाज में मनुष्य की भूमिका से ज़्यादा बढ़ गई है। तो गांधी कह रहे हैं कि हमें मशीनों ने लूटा है, हमें डॉक्टर अब वकील ने लूटा है, हमारे लोग मिले हुए हैं उस पश्चिम सभ्यता के साथ, और पश्चिम सभ्यता या आधुनिक सभ्यता में यह क्षमता नहीं है कि भारत को गुलाम बना सके, बल्कि हमने अपनी आज़ादी उन्हें दे दी है इस आधुनिक सभ्यता के चक्कर में। इसलिए गांधी आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, और इसकी आलोचना कर एक तरह से गांधी सभ्यता मिशन पर प्रहार करते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर गांधी के पूर्व का अगर आप आंदोलन देखें तो राजा राम मोहन राय से ही जब आप देखेंगे भारत में जो बौद्धिक वर्ग का डेवलपमेंट जो हो रहा, उस बौद्धिक वर्ग का डेवलपमेंट हो रहा, तो राजा राम मोहन राय भी ये मानते हैं कि पूंजीवाद के माध्यम से भारत का विकास होगा, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमिक जो सिस्टम है, इंडस्ट्रियल मोड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके माध्यम से भारत का विकास होगा। दादा भाई नौराजी भी प्रारंभ में कन्फ्यूज थे, और अधिकांश जो मध्यम वर्ग था जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व कर रहा था, वो भी इस आधुनिक सभ्यता का पक्षधर था, उसे भी लग रहा था कि इस आधुनिक सभ्यता के माध्यम से हमारे जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, राइट। लेकिन गांधी कह रहे हैं कि हम गुलाम भी हैं इसी कारण से, ये बात ध्यान में रखना है। गांधी कह रहे हैं कि हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस आधुनिक सभ्यता के कारण हमारे अपने लोग जो है इस आधुनिक सभ्यता के उत्पाद को प्राप्त करने चाह रहे हैं, इस आधुनिक सभ्यता के जो भौतिकवाद है उस भौतिकवादी सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उस भौतिकवादी सुख के चक्कर में वो अपने ही लोगों के शोषण में सहभागी हैं, राइट। इसलिए गांधी मशीनों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मशीन जो है ये श्रम का जो महत्व है, लेबर का जो कॉस्ट है, लेबर का जो इम्पॉर्टेंस है उत्पादन में, उसको घटा दिया है और श्रमिकों को गुलाम बनाने का ये काम कर रहा। और इसलिए दोनों चीज़ की आलोचना करते हैं। गांधी कहते हैं कि पार्लियामेंट और मशीन
ये दोनों आधुनिक सभ्यता के उपकरण हैं और दोनों भारत के शोषण के बहुत बड़े उपकरण हैं, राइट? इसलिए उन सारी चीजों का गांधी विरोध करें। और गांधी के स्वराज्य का जो मतलब था, जिसको गांधी ने कहा कि स्वराज्य का मतलब सेल्फ रूल, तो सेल्फ रूल का मतलब है कि आप अपने ऊपर इतना नियंत्रण करें कि भौतिक पदार्थ आपको आकर्षित नहीं कर सके, तब जाकर के आपको स्वराज्य मिलेगा, अदरवाइज आपको स्वराज्य नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना है। हालांकि गांधी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की, कटु आलोचना की, लेकिन गांधी ने आधुनिक सभ्यता के कुछ पॉजिटिव चीजों का समर्थन भी किया। देखो, एक तरफ गांधी उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं कि उपनिवेशवाद आधुनिक सभ्यता का ही प्रतीक है, राइट? बाकी लोग पूंजीवाद की आलोचना कर रहे थे। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेनिन भी पूंजीवाद की आलोचना कर रहे थे और कुछ अन्य लोगों ने भी पूंजीवाद की आलोचना शुरू कर दी थी, लेकिन गांधी उससे ज्यादा व्यापक बात कह रहे हैं। गांधी उस सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं जिसको पश्चिम के लोग, जिस सभ्यता के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास किया था, राइट? गांधी सभ्यता की आलोचना नहीं कर रहे हैं। गांधी सभ्यता की जो बात कह रहे हैं उसमें गांधी कह रहे हैं कि अगर सच्ची सभ्यता, समाज में सच्ची सभ्यता का विकास किया जाए, नैतिकता पर आधारित सभ्यता हो, सच्चाई पर आधारित सभ्यता हो, समानता पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो, बंधुत्व पर आधारित हो, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर आधारित हो, तो ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो अवधारणा है, न्याय की अवधारणा जो है, स्त्रियों को समानता का अधिकार की अवधारणा है, ये पश्चिम से आया हुआ है और ये भी मॉडर्न सिविलाइजेशन के कंपोनेंट हैं। इसलिए गांधी एक तरफ उसकी कुछ कंपोनेंट का कटु आलोचना करते हैं तो जो सकारात्मक पहलू है उसका समर्थन भी करते हैं। लेफ्टिस्ट के टाइम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करते। हाँ, बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं गांधी। गांधी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और इक्वालिटी की अवधारणा जो है पश्चिम के जो सभ्यता की अवधारणा है उसमें है, लिबर्टी की अवधारणा है, फेटर्निटी की अवधारणा है, उसका गांधी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेन जो गांधी ने अटैक किया, जिसको, जिस जीवन पद्धति को अंग्रेजों ने एक आइडियल जीवन पद्धति के रूप में भारत में स्थापित किया था कि हर भारतीय नौजवान उससे आधुनिकता के पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहा था, उससे अवधारणा पर गांधी ने प्रहार किया, जो कि एक नई बात थी भारत की राजनीति में। इसके पहले लोगों ने आलोचना की थी, लेकिन गांधी ने इसको सेंटर में रखा। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी एक तरफ स्वराज की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं। तो गांधी जब आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं तो लोगों को कह रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन जो परंपरा है, वो परंपरा ज्यादा बेहतर है, जहां हमारे बीच सामुदायिक भावना थी, हमारे बीच कोऑपरेशन था, हम एक दूसरे का शोषण नहीं करते थे, हमारी व्यवस्था न्याय पर आधारित थी, हमारे यहाँ स्वराज था, ग्राम स्वराज्य था, और ये व्यवस्था किसी भी रूप में भारत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी गांधी कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और हम उसी आधुनिक सभ्यता को आत्मसात कर लें तो मेरे नज़र में ये स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य में भी दो चीज़ थी ना, एक तो सेल्फ रूल था कि उसमें आपस में खुद को कंट्रोल करना है, सर सेल्फ गवर्नमेंट में क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट में है सरकार, हम शासन करेंगे, लेकिन इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का अप्रोच है। डिसेंट्रलाइजेशन का अप्रोच क्या है कि गांधी ने कहा कि जो गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर व्यक्ति के पास होगा। गवर्नमेंट स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, स्टेट को रिवर्स रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए,
सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए। तो हर कोई अपने ऊपर शासन करे तो फिर शासन की आवश्यकता कम रहेगी, लेकिन कुछ आवश्यकता रहेगी। तो कुछ आवश्यकता की फुलफिल करने के लिए हमें ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट करें, राइट। तो अगर सरकार का डेवलपमेंट करते हैं तो उस सरकार में सबसे ज़्यादा ताकत अगर होनी चाहिए तो ग्राम पंचायत के पास होनी चाहिए, राइट। लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए। अब उसके आगे ग्राम पंचायत के बाद का जो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक लेवल पर हो तो उसके पास पावर हो लेकिन ग्राम पंचायत से कम हो। अच्छा, उसके पास बाद डिस्ट्रिक्ट के पास ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पावर हो लेकिन ब्लॉक से कम हो, उसके पास प्रांत के पास हो तो डिस्ट्रिक्ट के से कम हो और स्टेट के पास पावर हो तो प्रांत से कम हो, क्योंकि स्टेट केवल सुरक्षा आवश्यकताओं को मेंटेन करने के लिए रहे। अदरवाइज गांधी स्टेट की भी आलोचना करते हैं और गांधी कहते हैं कि स्टेट जो है हिंसा का प्रयोग करती है और इसलिए गांधी उस स्टेट सिस्टम का यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात गांधी कर रहे हैं। और गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने पर शासन करेगा तो राज्य जैसी हिंसक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांधी ने राज्य की भी आलोचना की है। गांधी ने कहा कि अगर हम सभी अपने ऊपर शासन करना शुरू कर दें तो हमें ये पुलिस और ये प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इस सेल्फ रूल को आगे गांधी ने इसके साथ मोरलिटी को तो जोड़ा ही, नैतिकता को तो जोड़ा ही, आत्मा की बल को जोड़ा और फिर इसे गांधी ने धर्म का राज्य के रूप में भी व्याख्या की और इसे रामराज के रूप में भी व्याख्या की। आम तौर पर गांधी के स्वराज्य के अंतर्गत जो रामराज की अवधारणा है उस रामराज की अवधारणा को लोग गलत संदर्भ में लेते हैं। हम बात करेंगे गांधी के धर्म की अवधारणा भी बात करेंगे, धर्म के संदर्भ में गांधी की अवधारणा की बात करेंगे। गांधी ने ये बात की कि रामराज का मतलब है ऐसा राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के कल्याण की चिंता करे। आप अपने कल्याण की चिंता नहीं करें, आप दूसरे की कल्याण की चिंता करें। समाज में इतनी नैतिकता का विकास हम करें कि हर कोई दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे और जब हर कोई दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेगा तो फिर कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, अनाचार नहीं करेगा, दुराचार नहीं करेगा, कोई किसी के साथ न्याय नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। ये स्वराज्य होगी, राइट। इसको गांधी ने स्वराज्य कहा, जिसको सुमित सरकार कहते हैं कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो हवा हवाई लक्ष्य था, हवा हवाई लक्ष्य, कभी प्राप्त नहीं होने वाला लक्ष्य, क्योंकि गांधी नैतिकता की बात कर रहे थे। लेकिन गांधी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे और उन्होंने इसके माध्यम से अपनी अवधारणा को सामने रखा। दूसरा जो पॉलिटिकल अवधारणा गांधी की है, पॉलिटिकल अवधारणा की बात मैं कर रहा हूँ, इस अवधारणा में गांधी ने पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच इंटीग्रेशन करने पर बल दिया। ध्यान ये रखना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होती है और जब मोडेट आंदोलन होती है 1885 से 1905 ईस्वी तक, तो भारत के इतिहास में मॉडर्न इंडिया में 1885 से 1905 तक का जो आंदोलन है और वहाँ के जो हमारे नेता हैं उन लोगों ने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय वस्तु है। राजनीति और धर्म में पृथक्करण होना चाहिए, राइट। उग्रवादी नेताओं ने, एक्सट्रीमिस्ट
जो नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया, राइट? लेकिन उनकी जो धर्म का राजनीति में जो इस्तेमाल का कंसेप्ट था और गांधी के धर्म का राजनीति में इस्तेमाल का कंसेप्ट है, वो क्वाइट डिफरेंट है। गांधी कह रहे हैं कि अगर राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होता है तो राजनीति प्राणविहीन होगी, अनैतिकता पर आधारित होगी, राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन के रूप में होगा। लेकिन राजनीति में यहाँ गांधी के धर्म का मतलब क्या है, तो गांधी यहाँ मोरलिटी की बात करते हैं, धर्म का मतलब नैतिकता की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं। गांधी कहते हैं कि जब राजनीति में हम इथिक्स को निकाल देंगे, हम मोरलिटी को निकाल देंगे, तो राजनीति सेवा नहीं रहेगा। आज की राजनीति में कहीं मोरलिटी नहीं है, कहीं नैतिकता नहीं है, और इसलिए गांधी धर्म की जो बात कर रहे हैं उसका मतलब किसी रिलीजन से उसका संबंध नहीं है। ध्यान ये रखना है कि गांधी के शब्दों में गांधी कह रहे हैं कि राजनीति नैतिकता आधारित होनी चाहिए, मूल्य आधारित होनी चाहिए, राइट? जैसे कि स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे, जब स्ट्रेटजी गांधी का हम पढ़ेंगे तो स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे कि गांधी ने भारतीय राजनीति में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, और वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है मूल्य आधारित पॉलिटिक्स था, नैतिकता आधारित पॉलिटिक्स था। और इसलिए जब गांधी रामराज की बात करते हैं, जिसे कुछ लोग गलत ढंग से व्याख्या करते हैं कि गांधी एक तरह से हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहां गांधी नैतिकता पर आधारित राज्य की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, राइट? और गांधी का पूरा कंसेप्ट है कि जब भी हम राजनीति से धर्म को बाहर कर देंगे, राजनीति प्राणविहीन हो जाएगी, नैतिकता विहीन हो जाएगी, राजनीति में अत्याचार बढ़ जाएगा, अनाचार बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, राजनीति में सेवा भाव समाप्त हो जाएगा, जन कल्याण की भावना समाप्त हो जाएगी, और इसलिए राजनीति और धर्म के बीच समायोजन की बात गांधी कर रहे हैं। इसलिए गांधी को समझने के लिए, और इसी कंसेप्ट के कारण गांधी ने जब 1920 ईस्वी में अशोक आंदोलन प्रारंभ किया तो उसके पहले गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी की बेसिक आइडियोलॉजी उसमें ये थी कि अगर हम नैतिकता पर आधारित राजनीति शुरू करेंगे, उससे राजनीति में नैतिक बल का समावेश होगा, आत्मबल का समावेश होगा, और इससे राजनीति शुद्ध होगी, उसमें प्योरिटी आएगी, राइट? इसलिए जब भी गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं, पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, तो हमें इससे डायमेंशन को ध्यान में रखना है कि गांधी राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के पक्षधर थे, लेकिन उस धर्म के इस्तेमाल के पक्षधर नहीं थे जो आज हो रही है, या जिसको जिन्ना ने धर्म के रूप इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया। वो नैतिकता की बात कर रहे थे, वो मोरालिटी की बात कर रहे थे, वो आचरण संहिता की बात कर रहे थे। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर गांधी ने कंसेप्ट आपको पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत दिया, उसमें गांधी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन की आलोचना किया है। देखो, गांधी जब अपनी विचारधारा को भी रखते हैं, और विशेषकर जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के दौरान जो उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस से गांधी एक नया थॉट डेवलप करते हैं।
और उस थॉट के अंतर्गत गांधी ने ये बात देखा कि भारत जो है अंग्रेजों के द्वारा शोषित नहीं है, भारत अंग्रेजों के द्वारा गुलाम नहीं बनाया गया है, बल्कि भारत आधुनिक सभ्यता के द्वारा गुलाम बनाया गया है, आधुनिक सभ्यता के द्वारा गुलाम बनाया गया है। इसलिए गांधी आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हैं और गांधी कहते भी हैं कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया है, बल्कि हमने अपनी आज़ादी उन्हें दे दी है इस आधुनिक सभ्यता के चक्कर में। अब देखो, एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जब गांधी की आप मूवमेंट को समझने का प्रयास करेंगे, इस पर मैं बात अभी करूँगा, कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो शासन को वैचारिक आधार देने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम सभ्यता मिशन पर आए हुए हैं, हम भारत में भारतीयों का शोषण करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। व्हाइट मैन बर्डन भी, तो जो सिविलाइजेशन मिशन की अवधारणा उनकी थी और उसे सिविलाइजेशन मिशन के अंतर्गत अंग्रेजों ने विश्व को दो भागों में बांट दिया था, एक तरफ पश्चिम के लोग जो अपने आप को सभ्य कहते थे और जो पूरब के लोग हैं, जो एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग हैं, उनको उन लोगों ने असभ्य बर्बर करार दिया था और अप्रोच डेवलप किया था कि हम आपको आधुनिक सभ्यता के माध्यम से सभ्य बनाएंगे, राइट। इसलिए गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो गांधी कह रहे हैं कि भारत उपनिवेशवाद के द्वारा शोषित नहीं है, बल्कि भारत को आधुनिक सभ्यता के द्वारा रौंदा गया है। अब आधुनिक सभ्यता का उनका मतलब क्या है? गांधी कह रहे हैं कि जो ये आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये है प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का, और ये औद्योगिकरण जो है समाज में भौतिकवादी सोच का डेवलपमेंट करता है, मेटलिस्टिक सोच का डेवलपमेंट करता है, व्यक्ति को भौतिकवादी बनाता है, और यहाँ मशीन का जो भूमिका है वो समाज में मनुष्य की भूमिका से ज़्यादा बढ़ गई है। तो गांधी कह रहे हैं कि हमें मशीनों ने लूटा है, हमें डॉक्टर वकील ने लूटा है, हमारे लोग मिले हुए हैं उस पश्चिम सभ्यता के साथ, और पश्चिम सभ्यता या आधुनिक सभ्यता में यह क्षमता नहीं है कि भारत को गुलाम बना सके, बल्कि हमने अपनी आज़ादी उन्हें दे दी है इस आधुनिक सभ्यता के चक्कर में। इसलिए गांधी आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, और इसकी आलोचना कर एक तरह से गांधी सभ्यता मिशन पर प्रहार करते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर गांधी के पूर्व का अगर आप आंदोलन देखें तो राजाराम मोहन राय से ही, जब आप देखेंगे भारत में जो बौद्धिक वर्ग का डेवलपमेंट जो हो रहा, उस बौद्धिक वर्ग का डेवलपमेंट हो रहा तो राजाराम मोहन राय भी ये मानते हैं कि पूंजीवाद के माध्यम से भारत का विकास होगा, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमिक जो सिस्टम है, इंडस्ट्रियल मोड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके माध्यम से भारत का विकास होगा। दादा भाई नौराजी भी प्रारंभ में कन्फ्यूज थे और अधिकांश जो मध्यम वर्ग था जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व कर रहा था वो भी इस आधुनिक सभ्यता का पक्षधर था, उसे भी लग रहा था कि इस आधुनिक सभ्यता के माध्यम से हमारे जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, राइट। लेकिन गांधी कह रहे हैं कि हम गुलाम भी हैं इसी कारण से, ये बात ध्यान में रखना है। गांधी कह रहे हैं कि हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस आधुनिक सभ्यता के कारण हमारे अपने लोग जो है
इस आधुनिक सभ्यता के उत्पाद को प्राप्त करने चाह रहे हैं। इस आधुनिक सभ्यता की जो भौतिकवाद है उस भौतिकवादी सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं और उस भौतिकवादी सुख के चक्कर में वो अपने ही लोगों के शोषण में सहभागी हैं, राइट? इसलिए गांधी मशीनों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मशीन जो है ये श्रम का जो महत्व है, लेबर का जो कॉस्ट है, लेबर का जो इम्पॉर्टेंस है उत्पादन में, उसको घटा दिया है और श्रमिकों को गुलाम बनाने का ये काम कर रहा। और इसलिए दोनों चीज़ की आलोचना करते हैं। गांधी कहते हैं कि पार्लियामेंट और मशीन ये दोनों आधुनिक सभ्यता के उपकरण हैं और दोनों भारत के शोषण के बहुत बड़े उपकरण हैं, राइट? इसलिए उन सारी चीज़ों का गांधी विरोध करें। और गांधी के स्वराज्य का जो मतलब था, जिसको गांधी ने कहा कि स्वराज्य का मतलब सेल्फ रूल, तो सेल्फ रूल का मतलब है कि आप अपने ऊपर इतना नियंत्रण करें कि भौतिक पदार्थ आपको आकर्षित नहीं कर सकें, तब जाकर के आपको स्वराज्य मिलेगा, अदरवाइज आपको स्वराज नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना है। हालांकि गांधी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की, कटु आलोचना की, लेकिन गांधी ने आधुनिक सभ्यता के कुछ पॉजिटिव चीज़ों का समर्थन भी किया। देखो, एक तरफ गांधी उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद आधुनिक सभ्यता का ही प्रतीक है, राइट? बाकी लोग पूंजीवाद की आलोचना कर रहे थे। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेनिन भी पूंजीवाद की आलोचना कर रहे थे और कुछ अन्य लोगों ने भी पूंजीवाद की आलोचना शुरू कर दी थी, लेकिन गांधी उससे ज़्यादा व्यापक बात कह रहे हैं। गांधी उस सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं जिसको पश्चिम के लोग, जिस सभ्यता के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास किया था, राइट? गांधी सभ्यता की आलोचना नहीं कर रहे हैं। गांधी सभ्यता की जो बात कह रहे हैं उसमें गांधी कह रहे हैं कि अगर सच्ची सभ्यता, समाज में सच्ची सभ्यता का विकास किया जाए, नैतिकता पर आधारित सभ्यता हो, सच्चाई पर आधारित सभ्यता हो, समानता पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो, बंधुत्व पर आधारित हो, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर आधारित हो, तो ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो अवधारणा है, न्याय की अवधारणा जो है, स्त्रियों को समानता का अधिकार की अवधारणा है, ये पश्चिम से आया हुआ है और ये भी मॉडर्न सिविलाइजेशन के कंपोनेंट हैं। इसलिए गांधी एक तरफ उसकी कुछ कंपोनेंट का कटु आलोचना करते हैं तो जो सकारात्मक पहलू है उसका समर्थन भी करते हैं। लेफ्टिस्ट के टाइम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करते। हाँ, बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं गांधी। गांधी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और इक्वालिटी की अवधारणा जो है पश्चिम के जो सभ्यता की अवधारणा है उसमें है, लिबर्टी की अवधारणा है, फेटर्निटी की अवधारणा है, उसका गांधी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेन जो गांधी ने अटैक किया, जिस जीवन पद्धति को अंग्रेजों ने एक आइडियल जीवन पद्धति के रूप में भारत में स्थापित किया था कि हर भारतीय नौजवान उससे आधुनिकता के पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहा था, उससे अवधारणा पर गांधी ने प्रहार किया, जो कि एक नई बात थी भारत की राजनीति में। इसके पहले लोगों ने आलोचना की थी लेकिन गांधी ने इसको सेंटर में रखा। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी एक तरफ स्वराज की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं। तो गांधी जब आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं तो लोगों को कह रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन जो परंपरा है, वो परंपरा ज़्यादा बेहतर है, जहाँ हमारे बीच सामुदायिक भावना थी, हमारे बीच कोऑपरेशन था, हम एक दूसरे का शोषण नहीं करते थे, हमारी व्यवस्था न्याय पर आधारित थी, हमारे यहाँ स्वराज था, ग्राम स्वराज्य था, और ये व्यवस्था किसी भी रूप में भारत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है,
यानी गांधी कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और हम उसी आधुनिक सभ्यता को आत्मसात कर लें तो मेरी नज़र में ये स्वराज्य नहीं है। स्वराज में भी दो चीज़ थी ना, एक तो सेल्फ रूल था कि उसमें आपस में वो खुद को कंट्रोल करना है, सर सेल्फ गवर्नमेंट में क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट में है सरकार, हम शासन करेंगे, लेकिन इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का अप्रोच है। डिसेंट्रलाइजेशन का अप्रोच क्या है कि गांधी ने कहा कि जो गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पावर व्यक्ति के पास होगा। गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ स्टेट को रिवर्स रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए, सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए, तो हर कोई अपने ऊपर शासन करे तो फिर शासन की आवश्यकता कम रहेगी, लेकिन कुछ आवश्यकता रहेगी तो कुछ आवश्यकता की फुलफिल करने के लिए हमें ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट करें, राइट? तो अगर सरकार का डेवलपमेंट करते हैं तो उस सरकार में सबसे ज़्यादा ताकत अगर होनी चाहिए तो ग्राम पंचायत के पास होनी चाहिए, राइट? लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए। अब उसके आगे ग्राम पंचायत के बाद का जो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक लेवल पर हो तो उसके पास पावर हो लेकिन ग्राम पंचायत से कम हो, उसके पास बाद डिस्ट्रिक्ट के पास ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पास पावर हो लेकिन ब्लॉक से कम हो, उसके पास प्रांत के पास हो तो डिस्ट्रिक्ट के से कम हो और स्टेट के पास पावर हो तो प्रांत से कम हो, क्योंकि स्टेट केवल सुरक्षा आवश्यकताओं को मेंटेन करने के लिए रहे। अदरवाइज गांधी स्टेट की भी आलोचना करते हैं और गांधी कहते हैं कि स्टेट जो है हिंसा का प्रयोग करती है और इसलिए गांधी उस स्टेट सिस्टम का आलोचना करते हैं, बड़ी कठोर आलोचना करते हैं, राइट? तो ये गांधी की जो ये पॉलिटिकल अवधारणा है इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, आप कितनी बार भी अगर आप पढ़ लेते हैं उसके बावजूद भी मॉडर्न इंडिया में गांधी वैसी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं आपको समझ में नहीं आएगी। आप देखो कि गांधी एक आधुनिक व्यक्ति थे, एक मॉडर्न व्यक्ति थे, ब्रिटेन में पढ़े हुए थे, लंदन में पढ़े हुए थे, पूरी उनकी वेशभूषा पहले मॉडर्न थी। जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो गांधी ने इस बात को नोटिस किया कि दरअसल जो आधुनिक सभ्यता है यह सबसे ज़्यादा शोषण का उपकरण है, और धीरे धीरे गांधी अपने आप को आधुनिक सभ्यता से अलग करते हैं, अपने जीवन पद्धति में भी अलग करते हैं, और फिर वो एक तरह से परंपरागत जीवन जीना शुरू करते हैं और लोगों के बीच भी जाते हैं और लोगों के बीच भी आलोचना करते हैं आधुनिक सभ्यता का, तो लोग गांधी की तरफ आते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि राजनीति में देखो, राजनीति में क्या है कि नेता वही सक्सेस है जिसके पीछे मास खड़ा है, ये सच्चाई आज़ादी के पहले भी थी और आज भी है। हाँ, ये दूसरी बात है कि गांधी ने जो आज़ादी के पहले लोगों का मोबिलाइजेशन किया उस मोबिलाइजेशन में गांधी ने एथिक को केंद्र में रखा, नैतिकता को केंद्र में रखा, सच्चाई को केंद्र में रखा, और आज जो है लोग मास मोबिलाइजेशन के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जहां नैतिकता का दूर दूर से संबंध नहीं है। सिविलाइजेशन की बात पहले भी चल रहा था, लेकिन सिविलाइजेशन को केंद्र में रखकर इतनी आलोचना, सिविलाइजेशन को ही भारत की गुलामी का मेन कारण मानना, ये गांधी ने किया, और इससे गांधी ने अंग्रेजों की जो अवधारणा थी भारत पर शासन करने का उस अवधारणा पर ही प्रहार किया। देखो, कभी भी किसी सत्ता के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं और जब तक उस सत्ता के मतलब दो उपकरण होते हैं शासन के, एक उसके होते हैं वैचारिक आधार और एक होते हैं भौतिक आधार, जब तक आप उनके वैचारिक आधार को कमज़ोर नहीं करेंगे आप उसके भौतिक आधार के साथ फाइट नहीं कर सकते। उन्होंने मेन आइडियोलॉजी को अटैक किया है, मतलब ध्यान ये रखना है कि जब तक वैचारिक आधार को कमज़ोर नहीं करेंगे, जब तक लोगों को नहीं दिखाएंगे कि ये हमारा शोषण करने के लिए आया है, तब तक लोग आपके साथ लामबंद नहीं होंगे, और जब तक लोग आपके साथ लामबंद नहीं होंगे तब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी कि आप उसका विरोध कर सकें,
राइट। इसके अलावे गांधी के जो पॉलिटिकल जो थॉट है उसमें एक दो चीज और आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो गांधी के नेशनलिज्म की अवधारणा, देखो जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो हमारे नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत नेशनलिज्म के कई डायमेंशन हैं, कई धाराएं राष्ट्रीय आंदोलन में है, और जो धाराएं हैं वो अलग अलग रूप में देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थी, ध्यान ये रखना है। बस ये हम देखते हैं कि गांधी सारे धाराओं से जाके डोमिनेंट हो जाते हैं और सारी धाराएं गांधी में ही समाहित हो जाती है, तो इसका मतलब है कि गांधी ने जिस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, जिस तरह की आइडियोलॉजी और थॉट का डेवलपमेंट किया, वह आइडियोलॉजी और थॉट राष्ट्रीय आंदोलन के सारी धाराओं को अपने में समाहित करने में सक्षम थी, और ये गांधी के नेशनलिज्म की अवधारणा में भी दिखाई देती है, राइट। सो गांधी का जो नेशनलिज्म की अवधारणा है, ये नेशनल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पर आधारित है। पहला जो इसका फीचर है कि गांधी की राष्ट्रीयता जो है राष्ट्रीय समायोजन पर आधारित थी। राष्ट्रीय समायोजन का मतलब क्या है कि गांधी अपने राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्र के प्रत्येक समूह को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसके पहले के आंदोलन को देखें, थोड़ा सा देखें, राइट, तो अगर हम 1885 से 1905 के बीच की बात करें, तो 1885 से 1905 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसका कंसेप्ट ही था कि नेशनल मूवमेंट के लिए मास जो है, आम जनता जो है, अभी तैयार नहीं है, इसलिए नेशनलिज्म का विकास जो है, जो बौद्धिक वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उसी के बीच किया जाना चाहिए, उसी को फोकस करना चाहिए और उसी को आपस में इंटीग्रेट करके नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। जो उग्रवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, उस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत भी जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो हालांकि लाला लाजपत राय ने कंसेप्ट डेवलप किया था कि हमें अपने आंदोलन का मुख्य झोपड़ियों की ओर कर देना चाहिए, इसका मतलब है कि लाला लाजपत राय ने ये बात महसूस किया था कि जब तक आंदोलन में आम जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक आंदोलन को ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन वो कर नहीं सके, राइट। ये गांधी ही ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस बात को समझा कि जो राष्ट्र है संपूर्ण लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए राष्ट्र के जो आंदोलन है, राष्ट्र में जो भागीदारी होनी चाहिए वो समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें दलित की भी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें आदिवासी की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें महिला की भी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें हिंदू की भागीदारी होनी चाहिए, मुस्लिम की भागीदारी होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी भाषा के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी संस्कृति के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट के आधार पर गांधी ने जो अपनी स्ट्रेटजी डेवलप की, जिसको हम बोलते हैं सर्वसमावेशी रणनीति, जब गांधी के आप थॉट के बाद जब आप गांधी की स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट गांधी की स्ट्रेटजी जो है उसको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कहते हैं। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत गांधी ने भारत में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को शुरू किया
और इस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को आधार बनाने का काम गांधी के राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है नेशनल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, कि हम समाज के सभी वर्गों को अपने साथ किस तरह से जोड़ें, हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं, हम एक ऐसा राष्ट्रीय मूवमेंट शुरू करें जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हों। और एक बात आप ध्यान में देखोगे कि जब गांधी के मूवमेंट को आप पढ़ोगे तो देखोगे कि गांधी के मूवमेंट में सबको लगता था कि मेरे लिए उसमें कुछ है। ये बहुत मतलब सोची समझी अपनी अवधारणा और अपनी कौशल कुशलता के आधार पर गांधी ने जो मूवमेंट शुरू किया, उस मूवमेंट के कार्यक्रम को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सारे वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है, और इसलिए गांधी को सारे वर्गों का समर्थन मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज गांधी के जो राष्ट्रवाद का पहलू है उसमें गांधी कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रवाद है ये पश्चिम के राष्ट्रवाद से भिन्न है। ध्यान ये रखना है कि पश्चिम में जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, जब यूरोप में आप राष्ट्रवाद के विकास को पढ़ेंगे 18th century और 19th century में जो नेशनल इंटीग्रेशन होता है, जर्मनी का, इटली का, या फ्रांस में मूवमेंट होता है या अदर जगह भी, तो पश्चिम का राष्ट्रवाद हिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद था, हिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद था, राइट, वायलेंस पर आधारित राष्ट्रवाद था। गांधी ने कहा कि हमारा राष्ट्रवाद नैतिकता पर आधारित है, नॉन वायलेंस पर आधारित है, और नॉन वायलेंस हमारे लिए बेसिक थिंग है, और उसी के माध्यम से हम अपने आंदोलन के साथ लोगों को जोड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, राइट। गांधी ने खास करके देखो, गांधी की जो ये आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है उसके पीछे में एक कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है। खास करके गांधी जब भी 1908-09 के करीब लंदन में रहते हैं तो वहाँ पर गांधी देखते हैं कि भारत के जो नौजवान, मध्यम वर्ग के नौजवान गए हुए हैं एजुकेशन प्राप्त करने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है स्टाइपन दे रहे थे भारत के नौजवानों को, उस स्टाइपन को प्राप्त करके बी डी सावरकर भी लंदन गए और मदन लाल ढींगरा वगैरह भी। तो वहाँ गांधी ने ये रीड किया कि जो हमारा मध्यम वर्ग है ये मध्यम वर्ग हिंसा की ओर अग्रसर हो रहा और इनमें हिंसक राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हो रहा, राइट, क्योंकि ये समझते हैं कि भारत की समस्याओं का निदान हम, निराकरण हम हिंसा के रास्ते पर कर सकते हैं। ये जो हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन एक धारा है राष्ट्रीय आंदोलन की, और उस क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन की जो धारा है उसके दो स्टेज है मुख्य रूप से। एक तो 1905-6 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू होता है, और फिर एक 1922 के बाद शुरू होता है। तो 1905-6 के बाद वाली जो आंदोलन है क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन, उसके पीछे ठोस वैचारिक आधार की कमी थी, विचारधारा की कमी थी। ये लोग सोचते थे कि हिंसा का उपयोग करके हम किसी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करके और हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो गांधी ने ये बात महसूस किया कि हमारी जनता, अगर भारत के लोग हिंसा की ओर अगर जाते हैं और हिंसक राष्ट्रवाद को अपनाते हैं तो उससे भारत को मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे भारत की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की स्थिति काफ़ी भिन्न थी। और इसलिए गांधी ने जब अपनी नेशनलिज्म की बात की, आप पूरे नेशनल मूवमेंट में गांधी को देखोगे तो गांधी अहिंसा को लेकर बड़े सतर्क हैं, और उसका हम देखेंगे आंदोलन में भी देखेंगे इसका क्या महत्व है। क्योंकि गांधी ने जब कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन हम करेंगे, यानी उसके अंतर्गत देश के सभी वर्गों को हम समायोजित करेंगे, तो इंडियन सोसाइटी में भी जो स्ट्रगल था उससे गांधी परिचित थे, राइट, हमारे
अपने सोसाइटी के अंदर में तनाव था और अपने सोसाइटी के अंदर में भी सोशल बिहेवियर में कई समूहों के बीच आपस में हिंसक संघर्ष हुआ करता था, इससे गांधी अवगत थे। और इसलिए गांधी ने टारगेट किया कि हम जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जिस राष्ट्र का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, उस राष्ट्र के जड़ में अहिंसा होनी चाहिए, उसके जड़ में नैतिकता होनी चाहिए, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जब गांधी के राष्ट्रवाद को आप समझने का प्रयास करते हैं, उसमें बड़ा यूनिक है ये चीज कि गांधी का राष्ट्रवाद धर्म से आबद्ध होते हुए भी, धर्म से जुड़ा होते हुए भी धर्म निरपेक्ष है। ये बहुत यूनिक है, ये बात ध्यान में रखना है कि गांधी ने अपने नेशनलिज्म को धर्म से अलग नहीं किया। पश्चिम का जो राष्ट्रवाद था वो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहता था, और इसलिए धर्मनिरपेक्ष कहता था कि पश्चिम में रेनासा के बाद जो डेवलपमेंट हुआ था, और जब पश्चिम में राष्ट्र राज का डेवलपमेंट होने लगा तो पश्चिम में राष्ट्र राज ने क्या किया कि कहा कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, राजनीति में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यानी राज्य और धर्म के बीच सेपरेशन कर दिया गया। गांधी ने अपने राष्ट्रवाद के अंतर्गत कहा कि ये जो अहिंसा पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होगा, नैतिकता पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होगा, तो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान ये रखना है कि गांधी कह रहे हैं कि इस नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में रिलीजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि रिलीजन से नैतिकता का विकास होता है। समाज में नैतिकता का विकास रिलीजन करता है। सभी रिलीजन मानवता की बात करते हैं। गांधी कह रहे हैं कि जितने भी धर्म है वो सारे धर्म मानव के कल्याण की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, सच्चाई के मार्ग की बात करते हैं, वो शोषण के प्रतिकार की बात करते हैं, अत्याचार के प्रतिकार की बात करते हैं, अनाचार के प्रतिकार की बात करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी ने सारे रिलीजन को भी पढ़ा था। ये बात ध्यान में रखो, गांधी ने सारे रिलीजन की को पढ़ा था, और गांधी की खुद की अवधारणा ये थी कि रिलीजन मनुष्य में नैतिकता का विकास करता है, आत्मबल का विकास करता है, और रिलीजन मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। रिलीजन मनुष्य को कर्तव्य बोध कराता है, राइट। इसलिए गांधी धर्म को राष्ट्र से अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधी धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख धर्म से नहीं ले रहे हैं। इस अलग अलग धर्मों के बीच जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उस मूल्य से गांधी धर्म का आशय ले रहे हैं, और इसलिए गांधी की राजनीति सेकुलर राजनीति थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी सेकुलरिज्म के सबसे बड़े प्रवर्तक थे, और गांधी का मानना था कि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब लोगों में नैतिकता का डेवलपमेंट होगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो राष्ट्रवाद के संदर्भ में गांधी ने कही वो थी अंतर्राष्ट्रीयतावाद भी। गांधी की राष्ट्रवाद जो है अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध नहीं कर रही थी, ध्यान ये रखना है, क्योंकि गांधी कह रहे हैं कि हम आधुनिक सभ्यता से मुक्त होना चाह रहे हैं, ये हमारा स्वराज है। हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति किसी प्रकार का विरोध की भावना नहीं है। क्योंकि हमें अंग्रेज शोषण नहीं कर रहे हैं, ये व्यवस्था जो आधुनिक सभ्यता की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था हमारी शोषण कर रही है, और इसलिए जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी शोषण जारी रहेगी।
राइट। और ये गांधी की मूल रूप से पॉलिटिकल थ्योरी है। इसका इस्तेमाल जब आप गांधी के मूवमेंट को पढ़ें, गांधी की रणनीति को पढ़ें, गांधी के कार्यक्रम को पढ़ें, या गांधी को क्रिटिक्स भी करना हो तो आप इसके आधार पर गांधी की क्रिटिक्स भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी जो बातें गांधी ने कही वो एकदम सही है या रिलेवेंट है, राइट। हर व्यक्ति की विचारधारा, अपनी थॉट जो होती है उसमें कुछ कमियां होती है। हम देखेंगे कि आलोचना में हम उसको क्या लिखेंगे, क्या उसको करेंगे। बट इन जनरल जब आप गांधीयन मूवमेंट को पढ़ने जाते हैं या मॉडर्न इंडिया को पढ़ने जाते हैं, तो जब तक इसकी सही समझ आपको नहीं होगी तब तक के आप बहुत अच्छा समझ नहीं पाते हैं। किताब पढ़ते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आती कि मैंने क्या किया, है ना, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हम लोग आए गांधी के जो सोशल थॉट है, सामाजिक विचारधारा जो गांधी की है, वेस्टर्नाइजेशन के मतलब खिलाफ थे। हाँ, गांधी वेस्टर्नाइजेशन के पूरी तरह से खिलाफ थे, मॉडर्नाइजेशन। हाँ, मॉडर्नाइजेशन के विरुद्ध भी हैं गांधी। गांधी का कहना है कि उसके दो आयाम आपको ध्यान में रखना है। गांधी जिस आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं उसके कुछ कंपोनेंट का तो पूरी तरह से विरोध करते हैं, राइट। जैसे गांधी कहते हैं कि औद्योगिकीकरण न केवल भारत के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये ब्रिटेन के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी का निर्माण किया है, जो सोसाइटी नैतिकता विहीन सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में कोई मोरालिटी नहीं है। यह सोसाइटी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और जब सोसाइटी में इस तरह का थॉट अगर हम डेवलप कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तु जिसके पास है वही सबसे सुखी इंसान है, तो उस सोसाइटी का सुख चैन समाप्त हो जाता है, और उस सोसाइटी में एक ऐसा वर्ग डेवलप हो जाता है जो कमजोरों का शोषण करता है, राइट। और इसलिए गांधी उसकी बहुत ही तीव्र आलोचना करते हैं, इवन की मशीनीकरण का भी तीव्र आलोचना करते हैं, जिसका नेहरू के साथ भी इनका विरोध है, क्योंकि नेहरू एक मॉडर्न व्यक्ति थे और नेहरू का ये कंसेप्ट था कि भारत का जो विकास होगा वो आधुनिकीकरण के माध्यम से होगा, और उसके लिए आधुनिकीकरण के लिए मशीन काफ़ी आवश्यक है। हम थॉट में भी इकोनॉमिक जो थॉट है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी व्यक्ति का जो विचार होता है, जो फिलॉसफी होता है, जो आइडियोलॉजी होता है, वो सब इंटरकनेक्टेड होता है, है ना। यहाँ हम लोगों ने पॉलिटिकल थॉट की बात की, तो ये पॉलिटिकल थॉट जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी जुड़ी होती है, यानी गांधी की जो इकोनॉमी की थॉट होगी उस इकोनॉमी के थॉट के साथ भी ये जुड़ा हुआ रहेगा, राइट। और जो सोसाइटी की थॉट होगी उससे भी ये जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम, लेकिन हम लोग का जो सिविल सेवा की तैयारी में क्या समस्या होती है कि जब आपको किसी एक चीज़ पर क्वेश्चन पूछ दिया, स्वराज की अवधारणा पर ही क्वेश्चन पूछ दिया, या गांधी के नेशनलिज्म की अवधारणा पर आपको क्वेश्चन पूछ दिया, या गांधी की आधुनिक सभ्यता की आलोचना पर क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपके पास उतना कंटेंट तो होना चाहिए ना। पार्टिकुलर एक चीज़ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा तो आपके पास उतनी कंटेंट होनी चाहिए ताकि आप आंसर लिख सकें। और ये मॉडर्न इंडिया का सबसे कम्प्लेक्स टॉपिक है, ये बात ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति गांधी को बहुत अच्छा से मॉडर्न इंडिया समझ लेता है उसको मॉडर्न इंडिया की समझ में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक है और इस पर कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे गांधी ने जन आंदोलनों पर अंकुश बनाए रखा फिर भी अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे। तो गांधी जो है एक तरफ मास मूवमेंट भी करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि उस पर अंकुश भी बनाए रखते हैं, कंट्रोल स्थापित करते हैं। गांधी ये नहीं चाहते हैं कि आंदोलन जो है उनके नियंत्रण से बाहर चले जाए,
और इसलिए गांधी बीच में आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। स्ट्रेटजी थी ना सर, ये गांधी की स्ट्रेटजी थी। स्ट्रगल टू, हाँ वो बात करेंगे, ये गांधी की स्ट्रेटजी थी, लेकिन फिर भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हैं। ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उसकी क्वालिटी होती है कि एक तरफ से वो जनता को अपने कंट्रोल में भी रखेगी और उतनी नाराजगी भी जनता में नहीं पैदा होने देगी कि जनता फिर उसके विरुद्ध में चला जाए, राइट। तो दूसरा सोशल थॉट जो गांधी की है, इसमें दो तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसमें पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट है वीमेन के संदर्भ में गांधी की थॉट। देखो गांधी जब स्वराज की बात कह रहे हैं तो सबके स्वराज की बात कह रहे हैं, और भारतीय समाज में गांधी ने वाच किया कि जो इंडियन सोसाइटी है, इस इंडियन सोसाइटी में जो वीमेन है वो सबसे ज़्यादा शोषित है, राइट। और दूसरा गांधी ने एक और भी ये बात महसूस किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जब तक वीमेन्स की भागीदारी नहीं होती है तब तक राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक आधार है वो बहुत व्यापक नहीं हो सकता है, और इनकी अहिंसा की अवधारणा को अगर सबसे ज़्यादा कोई फॉलो कर सकता था तो वीमेन कर सकती थी। इसलिए गांधी बहुत ही पहुँचे हुए लीडर हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि जब आप गांधी को आप पढ़ोगे और सही तरीके से अगर गांधी को आप समझ लोगे तो बहुत बड़े लीडरशिप का गुण है गांधी में। वो सारी चीज़ों को इस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको उनके आंदोलन पर प्रहार करने में डर लगती थी। आप इस बात को देखो, क्योंकि गांधी 1920 से महिलाओं को सामने करते हैं अपने आंदोलन में, और जब महिलाओं पर लाठीचार्ज होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है भारतीय जनता में। देखो भारतीय जनता की एक ऐसी मानसिकता है कि अगर खुद वो घर में महिला पर अत्याचार करे तब तो कोई बात नहीं है, राइट। लेकिन अगर उसकी महिला को कोई दूसरा थोड़ी सी टिप्पणी भी कर दे तो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो लड़ जाएगा, लड़ भिड़ जाएगा। और देखो गांधी इस बात को बहुत जज कर चुके थे। इस बात को ध्यान में रखना है कि गांधी ने अपने पूरे अध्ययन में जब गांधी जाते थे लोगों के बीच तो एक तो उनकी थी कि लोगों के साथ लोक भाषा में बात करते थे, राइट, देसी भाषा में बात करते थे और महिलाओं से भी बात करते थे। तो गांधी ने इस बात को रीड किया कि जो भारतीय समाज में अगर हमें रूपांतरण करना है और रियल अर्थ में स्वराज की स्थापना करनी है तो महिलाओं के संदर्भ में भी हमें बहुत बदलाव करना होगा, राइट। और इसलिए महिलाओं के संदर्भ में गांधी जो बात कर रहे हैं उसमें पहला जो बात कर रहे हैं कि मेल फीमेल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि गांधी कह रहे हैं कि भारतीय समाज में रूपांतरण तभी होगा जब स्त्री पुरुष में पूर्ण समानता होगा। दोनों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तर पर समानता की बात गांधी कर रहे हैं। और गांधी स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, स्त्रियों के शोषण से मुक्ति की बात कर रहे हैं, केवल समानता की बात नहीं कर रहे हैं, वो नारी स्वतंत्रता के पक्षधर भी हैं गांधी। और गांधी ये भी बात कह रहे हैं कि स्त्रियों में भी नैतिक बल जो स्त्रियों का होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मोरल जो पावर स्त्रियों का है वो बहुत स्ट्रांग है,
और इसलिए स्त्रियों की जो इक्वलिटी की बात, स्त्रियों की जो फ्रीडम की बात, लिबर्टी की बात और स्त्रियों के साथ प्रॉपर व्यवहार की बात गांधी कर रहे हैं। और गांधी ये भी कह रहे हैं कि अगर पुरुष कमाता है तो ये नहीं समझे कि वो उसकी कमाई है। अगर स्त्री घर में काम करती है और पुरुष बाहर काम करता है तो पुरुष की जो कमाई है उस कमाई में स्त्री का इक्वल भागीदारी है। ये बात ध्यान में रखना है कि इक्वल भागीदारी है और पुरुष अपने आप को स्त्री से बड़ा नहीं समझे, क्योंकि पत्नी आपकी साथी है, आपके अधीन नहीं है। तो एक तो इस पे स्त्री के संदर्भ में, दूसरा जो गांधी ने विमेंस के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट बात किया है वो एजुकेशन के संदर्भ में बात किया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन के संदर्भ में गांधी बात करते हैं और गांधी कहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान एजुकेशन दिया जाना चाहिए, राइट? उससे भी आगे जाकर बात करते हैं गांधी कि एक स्त्री अगर शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। और इसलिए गांधी समाज में जो सुधार है उस सुधार के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ही बल देते हैं, जो कि गांधी का ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब कंट्रीब्यूशन है भारतीय सोसाइटी में। क्योंकि देखो, गांधी इस बात को समझ रहे थे कि जब तक स्त्रियों की भी शिक्षा नहीं आएगी वो राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी उतनी नहीं हो सकती है। और दूसरा, स्त्री के पास अगर शिक्षा नहीं है तो बच्चे ही तो देश के नागरिक बनेंगे, तो बच्चों का जो समाजीकरण होगा, एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को बेहतर रूप से समाजीकरण बच्चों का कर सकती है। और इसलिए गांधी उस चीज़ पर बहुत बल देते हैं। तीसरा जो स्त्री के संदर्भ में गांधी की जो अवधारणा है वो है चाइल्ड मैरिज, विडो रिमैरिज, डाउरी। तीन इम्पॉर्टेंट सामाजिक बुराइयों की बात गांधी करते हैं। और गांधी जो है बाल विवाह का विरोध करते हैं, चाइल्ड मैरिज का, राइट? और जब शारदा अधिनियम 1930 ईस्वी में आता है तो उसमें भी गांधी उसका सपोर्ट करते हैं और लड़कियों की उम्र को, विवाह की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 16-18 वर्ष करने की बात गांधी करते हैं। क्योंकि चाइल्ड जो मैरिज है उसको गांधी एक बहुत बड़ा सामाजिक बुराई के रूप में लेते हैं, राइट? उससे आगे बढ़ के गांधी क्या करते हैं कि आम तौर पर उस समय जो अपर कास्ट था उसमें विडो रिमैरिज पर प्रतिबंध था। हालांकि कानूनी रूप से वो 1856 में ही ये प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया था, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 के माध्यम से ही, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी विडो रिमैरिज नहीं होता था। लेकिन गांधी कह रहे हैं कि अगर किसी स्त्री का पति अगर डेथ कर जाता है तो उसके पिता को उसकी दूसरी विवाह कर देनी चाहिए, राइट? उसकी दूसरी विवाह के गांधी समर्थन करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 1920-30 की बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, एक तरह से आपको ध्यान में रखना है कि गांधी के जो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पीरियड के जो व्यक्ति है उसकी थॉट क्या हो सकती है। हम अभी 2019 में हैं तो 2019 और 1920 में अंतर है, 100 वर्षों का ये अंतराल है। तो 100 वर्षों के अंतराल में जो लोगों के सोचने के जो तरीके हैं उस तरीके में भी अंतराल होगा। इसलिए आज के डेट में ये बहुत बड़ी बात आपको नहीं लगती है
लेकिन उस समय के दृष्टिकोण से और गांधी एक मास लीडर हैं, और इसको लेकर गांधी का विरोध भी किया जा सकता था उस समय के समाज के द्वारा। लेकिन गांधी खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि हमें विडो रीमैरिज का समर्थन करना चाहिए, राइट। और डावरी को गांधी अभिशाप मान रहे हैं, दहेज जो है भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। और इसके अलावा गांधी जो है स्त्रियों की पॉलिटिकल भागीदारी के पक्षधर हैं, राजनीतिक भागीदारी के गांधी पक्षधर हैं कि जो राजनीतिक आंदोलन है उसमें स्त्रियों की भागीदारी होनी चाहिए। और गांधी ये भी कहते हैं कि स्त्री जो स्वतंत्रता है, स्त्रियों को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, इसके लिए स्त्रियों को खुद ही फाइट करना चाहिए। कोई दूसरा आपके लिए फाइट करे उससे बेहतर है कि आप खुद फाइट करें, अपने अधिकारों के लिए आप लड़ें। और इसलिए गांधी अपने आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ाने की बात करते हैं, राइट। तो फीमेल के संदर्भ में ये चार पांच बातें हमें याद रखना है, और इसी थॉट को गांधी आगे बढ़ाएंगे भी, गांधी इस थॉट को आगे भी बढ़ाएंगे। इसके बाद सोशल जो थॉट है इसके अंतर्गत जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अनटचेबिलिटी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अस्पृश्यता का मुद्दा, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पर गांधी और अंबेडकर के जो दृष्टिकोण हैं उनमें किस प्रकार से अंतर है इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी जीएस में पूछा है। तो अनटचेबिलिटी के संदर्भ में गांधी की जो मूल अवधारणा आती है उसमें पहला बात तो गांधी कहते हैं कि अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है, राइट। और दूसरा कहते हैं कि अगर इसको हिंदू धर्म से संबद्ध किया भी जाता है तो अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक है, महापाप है ये। और अगर कोई धर्म अनटचेबिलिटी की बात करता है तो मैं उस धर्म को विश्वास, उस धर्म में मैं विश्वास नहीं करता। यानी गांधी का कहना है कि मूल जो हिंदू धर्म हमारा है, गांधी स्वयं को सनातनी हिंदू कहा करते थे, गांधी कहा करते थे कि मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूँ, जो सनातन धर्म मानवता में विश्वास करता है, जिस सनातन धर्म में मानव मानव के बीच किसी तरह का विभेद नहीं है, जिसमें मानव मानव के बीच प्रेम की बात की जाती है, मैं उस धर्म में विश्वास करता हूँ। और इसलिए इस दृष्टिकोण से गांधी कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी जो है हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। और जब से ये पार्ट बन भी गया है तो ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक है। पहला चीज कि इससे बड़ा कोई कलंक हिंदू धर्म में या समाज में, इससे बड़ा कोई पाप समाज में नहीं है, राइट। दूसरा जो पॉइंट गांधी इसमें बात करते हैं कि ये जो अस्पृश्यता है इसके लिए अस्पृश्य जातियां उत्तरदायी नहीं है, राइट। अस्पृश्यता के लिए अस्पृश्य जातियां उत्तरदायी नहीं हैं, इसके लिए वे जातियां, वे लोग अस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी हैं जो निम्न जातियों के साथ, दलित जातियों के साथ, हरिजन के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। जब उच्च जाति के लोगों ने गांधी से ये बातें कही कि अस्पृश्यता का व्यवहार इसलिए प्रचलित है क्योंकि निम्न जाति के लोग गंदगी में जीवन व्यतीत करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और इसीलिए लोग उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, तो गांधी ने इसको रिजेक्ट कर दिया।
ध्यान ये रखना है। गांधी कह रहे हैं कि अगर समाज में अस्पृश्यता नामक बुराई है तो इसके लिए वह समाज जिसके विरुद्ध अस्पृश्यता का प्रयोग किया जाता है वह किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राइट मतलब सर बोल रहे कि अपर क्लास जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल है अस्पृश्यता के लिए। अपर क्लास ही रिस्पॉन्सिबल है, अपर कास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि अस्पृश्यता का व्यवहार निम्न जातियों के साथ करता है। और इसलिए जब गांधी की ये अवधारणा है तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अस्पृश्यता के बारे में गांधी कहते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन उच्च जातियों के माध्यम से ही होगा। ध्यान ये रखना है कि अस्पृश्यता का व्यवहार कौन करता है, तो जो लोग उच्च जाति के लोग हैं वही दलित जातियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। इसमें दलित जातियों का कोई दोष नहीं है, अगर दोषी है तो उच्च जाति के लोग। इसलिए समाज में अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा तो उसको करने के लिए हमें उच्च जातियों को समझाना होगा कि आप अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करें। राइट और इसके लिए गांधी सत्याग्रह की बात करते हैं, अहिंसा के मार्ग की बात करते हैं। और इसके लिए गांधी कहते हैं कि अगर समाज से अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है तो हमें उच्च जाति के लोगों का हृदय परिवर्तन कराना होगा। आगे स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे जो गांधी की रणनीति है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो कंसेप्ट था सत्य के माध्यम से आग्रह करना यानी विरोधी का हृदय परिवर्तित कराना, तो गांधी यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय समाज में अगर अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए हमें उच्च जातियों का हृदय परिवर्तित कराना होगा, यानी कि उन्हें इस बात को समझाना होगा कि अस्पृश्यता अमानवीय है और इस अमानवीय व्यवहार को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए गांधी ने जिन लोगों को अपने साथ जोड़े गांधी ने उनको गांधी ने ये प्रशिक्षण देना शुरू किया कि आप अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करें। चौथा इंपॉर्टेंट चीज गांधी ने इसमें कहा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे होगा, कैसी हम अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सकते हैं। तो एक तो विचार के आधार पर उन्होंने कहा कि उच्च जातियों को हम इस बात को समझाएं कि निम्न जाति के लोग भी हमारे भाई बंधु हैं, वो मानव हैं और मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। और हम उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा करके, हम उनमें सत्य का पाठ पढ़ा करके, हमें उनमें मानवीय भावनाओं का डेवलपमेंट करके और उनके हृदय को परिवर्तित करके अस्पृश्यता का उन्मूलन करेंगे। क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन तभी होगा जब उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के साथ अस्पृश्य व्यवहार नहीं करें। चौथा इंपॉर्टेंट चीज गांधी ने कहा कि अस्पृश्यता उन्मूलन में दलित जातियों के मंदिर प्रवेश आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ध्यान ये रखना है, गांधी कह रहे हैं कि अगर समाज में अस्पृश्यता को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें दलित जातियों को मंदिरों में प्रवेश कराना होगा। और इसलिए गांधी मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि गांधी कहते हैं कि जो अस्पृश्यता है इसको जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है, जो जाति की ढांचा है, इस जाति के ढांचा के भीतर ही हम समाप्त करेंगे। और इसको लेकर अंबेडकर के साथ इनका विरोध है, ध्यान ये रखना। ये मेन गांधी की ये जो अवधारणा है कि अस्पृश्यता तो कलंक है ना, समाज का कलंक है। अस्पृश्यता ऊंच जातियों के द्वारा किया जाता है, ऊंच जातियों का हृदय परिवर्तन कराएंगे, मंदिर प्रवेश कराएंगे और इससे अस्पृश्यता उन्मूलन होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन हिंदू धर्म एवं जाति व्यवस्था के ढांचे के भीतर संभव है, ये गांधी मानते थे। अंबेडकर का कहना था कि अस्पृश्यता जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उपज है,
राइट। तो जब तक हम वर्ण और जाति के ढांचे को समाप्त नहीं करेंगे तब तक भारतीय समाज से अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं होगा, है ना। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी तो केवल धूल झाड़ते हैं, वास्तविक परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ध्यान ये रखना, ये समझ तभी आएगी जब आप इस बात को समझोगे कि अंबेडकर कह रहे हैं, गांधी कह रहे हैं, गांधी की जो अवधारणा अस्पृश्यता में है कि गांधी अस्पृश्यता का उन्मूलन हिंदू धर्म एवं जाति व्यवस्था के ढांचे के भीतर करना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि गांधी को लगता है कि अस्पृश्यता उच्च जाति के लोग करते हैं, और चूंकि उच्च जाति के लोग करते हैं तो उनको हृदय परिवर्तित करा देंगे तो समाज से अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा। अंबेडकर कह रहे हैं कि अस्पृश्यता का संबंध हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के ढांचा से है। तो जब तक समाज में ढांचा बना रहेगा तब तक अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं होगा। अनटचेबल वही थे जो शूद्र में आते थे। हाँ, शूद्र से भी एक नीचे कैटेगरी डेवलप हो गया था अस्पृश्य का। अच्छा, उससे नीचे। हाँ, शूद्र के साथ भी अस्पृश्यता था, लेकिन उसके नीचे का जो अस्पृश्य थे वो सबसे ज्यादा अस्पृश्य थे, जो कि गांव से उसे बाहर रहना पड़ता था, राइट। इसलिए देखो, बेसिक थॉट में बेसिक जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप पढ़ोगे फिर समझ में नहीं आती है। अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये ढांचा विद्यमान होगा अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी। हाँ, अंबेडकर कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म कीजिए, वर्ण व्यवस्था खत्म कीजिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात अंबेडकर कह रहे हैं कि अस्पृश्यता का आधार हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। अस्पृश्यता के लिए ऊंच जाति के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बात अंबेडकर कह रहे हैं। अंबेडकर कह रहे हैं कि ऊंच जाति के लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हिंदू धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है, जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ऊंच जाति के लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है समाज में अस्पृश्यता के प्रचलन के लिए। तो एक तरफ अंबेडकर कह रहे हैं कि आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, जब तक इस वर्ण और जाति व्यवस्था के ढांचे को हम तोड़ेंगे नहीं तब तक भारतीय समाज से अस्पृश्यता समाप्त नहीं होगी। दूसरा अंबेडकर कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन की जो आपकी अवधारणा है कि उच्च जाति के लोगों का हृदय परिवर्तन करेंगे और इससे अस्पृश्यता का उन्मूलन करेंगे, ये वास्तविक हल है नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उच्च जाति का हृदय परिवर्तित होगा नहीं। अगर आप अस्पृश्यता का उन्मूलन करना चाहते हैं तो आपको हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी। पुनर्व्याख्या का मतलब क्या है कि जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करके हम एक नई व्यवस्था का निर्माण करें और उस व्यवस्था में अस्पृश्यता का उन्मूलन करें, और मंदिर प्रवेश से भी अस्पृश्यता का समाप्त नहीं होना वाला है, यह एक प्रतीकात्मक है। अंबेडकर कह रहे हैं, अंबेडकर खुद भी मंदिर प्रवेश आंदोलन का संचालन करते हैं, लेकिन अंबेडकर का मानना है कि यह सिंबॉलिक है, रियल में अस्पृश्यता का निवारण होगा जब आप निम्न जातियों को शिक्षा और सत्ता में भागीदारी प्रदान करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा करेंगे, जब वो खुद ही ताकतवर हो जाएंगे तो अस्पृश्यता के व्यवहार को वो स्वीकार नहीं करेंगे, तब अस्पृश्यता समाप्त होगी। और इसलिए इन दोनों की विचारधारा जो अस्पृश्यता के संदर्भ में है, इस विचारधारा में विरोध है और मूलभूत अंतर है, क्योंकि अंबेडकर अस्पृश्यता का वहन किए थे, उन्होंने अपने लाइफ में झेला था, गांधी को कभी अस्पृश्यता झेलना नहीं पड़ा था, और इसलिए गांधी जो है थॉट के रूप में, आदर्श रूप में अस्पृश्यता को देखते हैं और अंबेडकर व्यवहार के रूप में अस्पृश्यता को देखते हैं।
राइट। इसके अलावा गांधी जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी करते हैं, गांधी के जो सामाजिक जो विचारधारा आप देखेंगे उसमें गांधी वर्ण सिस्टम का समर्थन करते हैं, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, राइट, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था तो वर्तमान समाज में है नहीं, वर्तमान समाज में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, और इसलिए अगर वर्ण व्यवस्था का आप समर्थन करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप उस व्यवस्था का समर्थन करते हैं जो दलितों के हितों के प्रतिकूल है। गांधी जातिवाद का विरोध करते हैं लेकिन जाति व्यवस्था के ढांचे को तोड़ने की बात गांधी नहीं करते हैं, क्योंकि गांधी का एक ये भी कंसेप्ट था कि जो जातियां हैं उसमें परंपरागत जो उसका जो वर्ग है, पेशा है, उससे समाज में समायोजन भी स्थापित रहता है। इसलिए गांधी जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, अंबेडकर जाति व्यवस्था को तोड़ने की भी बात करते हैं, और इस तरह से अंबेडकर और गांधी के बीच दोनों के बीच विरोध है। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है कि जब अस्पृश्यता वगैरह पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप गांधी और अंबेडकर के बीच कंपेरिजन करके आंसर लिखने का प्रयास करें। और ये गांधी के मूलभूत सोशल विचार है। इस सोशल जो विचार है गांधी का, इसका भी आप देखोगे कि गांधी का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में गांधी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गांधी अपने सोशल थॉट के अंतर्गत सामाजिक जो सोशल इंटीग्रेशन है ये भी करने का प्रयास करते हैं, समाज को संगठित रखने का प्रयास करते हैं। गांधी जो मार्क्सवादी लोगों का वर्ग संघर्ष की अवधारणा थी, क्लास स्ट्रगल की अवधारणा थी, उस क्लास स्ट्रगल की अवधारणा का गांधी विरोध करते थे। और गांधी सामाजिक समन्वय की बात करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। और गांधी के जो मूवमेंट है अशोक आंदोलन से आप लगातार देखोगे कि गांधी इस मामले में बहुत ही अलर्ट हैं कि सोसाइटी में किस तरह से सोशल इंटीग्रेशन किया जाए, क्योंकि गांधी का एकदम पूरा परफेक्ट विश्वास था कि अगर समाज में हम आपस में लड़ेंगे तो हम बाहरी शक्ति से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आपस में जो द्वंद्व है किसी इशू को लेकर, तो उन सारे द्वंद्व को हमें समाप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए गांधी इंटरनल जो इश्यूज है भारतीय सोसाइटी के जिसमें स्ट्रगल है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं गांधी, राइट। अंबेडकर इंटरनल इशू पर स्ट्रेस देते हैं, ये बात ध्यान में रखना है कि अंबेडकर जो हैं इंटरनल जो इश्यूज था जो खास करके दलितों के मुद्दे हैं इसको लेकर अंबेडकर बहुत एग्रेसिव थे, और गांधी एग्रेसिव नहीं थे, क्योंकि गांधी को ये बात एहसास था कि जो 1920 का जो पीरियड है या उसके बाद का जो पीरियड है उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था हमारा, उसमें ज़्यादातर जगह पर लीड कौन कर रहे थे, अपर लेयर के लोग लीड कर रहे थे। गांधी उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे, उनको समझा रहे थे, और कई लोग इस बात को समझ भी रहे थे। गांधी के संपर्क में जो लोग आए वो लोग इस बात को समझ भी रहे थे कि ये हमारी व्यवस्था में जो कमी है, बिना इस कमी को दूर किए जो है हम अपनी देश की जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको मजबूत नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी के क्षेत्र में गांधी की विचारधारा, दो इम्पॉर्टेंट है तो बहुत गांधी जो वो आएगा इसमें आएगा, जैसे गांधी को एक क्लास में समेटना, दो घंटे में समेटना ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। लेकिन अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और उसमें आपका लिमिटेशंस है कि एक टॉपिक पर हम कितना टाइम दें, तो जो मूल जो
अवधारणा है उस मूल अवधारणा के संदर्भ में आपकी एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्वेश्चन भी मूल अवधारणा से ही होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें गांधीयन जो फिलॉसफी है जिस पे कई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन भी हो रही है, तो पूरे चीज़ को हम सिविल सेवा में देखेंगे। जो मूल मूल हमारी अवधारणाएँ हैं जिसका हमारे लिए रिलेवेंट है, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। इकोनॉमी के क्षेत्र में एक तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी जो है या इंडस्ट्रियलाइजेशन, यह मशीनीकरण, इसका गांधी विरोध कर रहे हैं। पहली बात ध्यान में रखना है, गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि गांधी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की थी, है ना, और आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो गांधी की नज़र में था वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीनीकरण। गांधी की नज़र में आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा कंपोनेंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीनीकरण। तो गांधी कह रहे हैं कि जो मशीनीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये समाज में भौतिकवाद को बढ़ावा दे रहा, मटेरियलिस्टिक थॉट को बढ़ावा दे रहा, और यह श्रम के महत्व को कम कर रहा, लेबर के इम्पोर्टेंस को कम कर रहा, राइट। और लेबर के इम्पोर्टेंस को कम कर रहा तो इसके कारण श्रमिकों का शोषण हो रहा, ध्यान ही रखना है। गांधी का कहना है कि जब हम मशीनीकरण करेंगे तो मशीनीकरण क्या करेगा, लेबर को प्रतिस्थापित करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अब लेबर की कम ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि श्रमिकों को रोज़गार कम मिलेगा, और श्रमिकों को रोज़गार अगर कम मिलेगा तो उसके श्रम का जो मूल्य है, उसके श्रम का मूल्य कम होगा, इससे श्रमिकों का शोषण होगा, और श्रमिकों का शोषण होगा तो इससे एक शोषण मूलक व्यवस्था का निर्माण होगा, और इसलिए गांधी इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे शोषण मूलक व्यवस्था का विकास हो रहा है, और इसलिए गांधी इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें गांधी एक दो चीज़ और भी कह रहे हैं कि गांधी कह रहे हैं बाद के दिनों में भी, एक और आप टॉपिक देख सकते हैं कि गांधी सतत परिवर्तनशील हैं। मतलब गांधी की दो तरह से मतलब एनालिसिस की जाती है। एक एनालिसिस की जाती है कि क्या गांधी रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे, और दूसरा कि गांधी प्रोग्रेसिव थे। तो गांधी कंजर्वेटिव नहीं थे, गांधी प्रोग्रेसिव थे, और गांधी अपनी अवधारणाओं में परिवर्तन भी कर रहे हैं, ध्यान ही रखना। एक टॉपिक ही आपको बना के रखनी चाहिए कि गांधी किस प्रकार से सतत परिवर्तनशील हैं। तो गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया, लेकिन गांधी ने एक और बात कही कि मैं मशीनीकरण का तब विरोधी नहीं हूँ जब मशीन श्रम को प्रतिस्थापित नहीं करे, जब मशीन श्रम को सहयोग करे तब मैं मशीनीकरण का समर्थन करता हूँ, राइट। तब मैं मशीनीकरण का समर्थन करता हूँ, लेकिन गांधी मशीनीकरण से ज़्यादा श्रम को मत देते हैं और उत्पादन में शारीरिक श्रम की भूमिका पर बल देते हैं। इसी अवधारणा से गांधी ने अपना चरखा का कार्यक्रम शुरू किया था, जो स्वदेशी और चरखा का जो कार्यक्रम है गांधी का, उसके पीछे गांधीयन थॉट काम कर रही है कि गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, उत्पादन में हर व्यक्ति का रोल होना चाहिए, राइट। तो उत्पादन में हर व्यक्ति का रोल होगा तो एक ऐसी व्यवस्था का जन्म होगा जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा,
और उसी को लेकर के गांधी ने जो चरखा और खादी आंदोलन जो प्रारंभ किया, उसका मेन मुद्दा था कि गांधी चाहते थे कि हमारे यहाँ एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास हो जो कि एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो, राइट, जिसमें आत्मनिर्भरता हो। और गांधी जब 1920 में स्वदेशी आंदोलन शुरू करते, हालांकि उसके पहले भी स्वदेशी आंदोलन है 1905-06 में, तो 1905-06 में स्वदेशी आंदोलन प्रतीकात्मक है। और गांधी ने जब स्वदेशी आंदोलन को व्यवहारिक रूप में उपयोग किया तो उससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंची थी। ये 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी है, और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचती है। तो गांधी की ये स्ट्रेटजी है कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को हम एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप करें। और इसलिए गांधी जो है अपनी इकोनॉमी के अंतर्गत ग्राम्य विकास को केंद्र में रखते हैं। गांधी ग्रामीण विकास की बात करते हैं, शहरी विकास की बात ना करके, औद्योगिक विकास की बात ना करके, ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो कृषि का विकास है, जो परंपरागत शिल्प उद्योग का विकास है, उसके माध्यम से गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना चाह रहे हैं ताकि सभी को रोजगार मिले और भारत आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो। तो एक तो इकोनॉमी में गांधी की ये विचारधारा है। दूसरा, इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ट्रस्टीशिप का थ्योरी, है ना। गांधी ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ट्रस्टीशिप नाम सुना है, राइट। अब देखो, गांधी के पहले जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, इसकी आलोचना समाजवादियों ने की थी, सोशलिस्ट लोगों ने की, कम्युनिस्ट लोगों ने की। लेकिन सोशलिस्ट लोगों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था उसके विरोध के लिए हिंसक आंदोलन का समर्थन किया, राइट। जैसे कम्युनिज्म में क्या कंसेप्ट हुआ कि कम्युनिज्म ने कहा कि एक दिन मजदूरों की क्रांति होगी और वह क्रांति जो है कैपिटलिस्ट व्यवस्था को ध्वंस कर देगी और फिर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। तो जो साम्यवादी आंदोलन होगी उसमें हिंसा का समावेश स्वाभाविक है। गांधी समाजवाद के कुछ चीज़ों से सहमत थे। समाजवाद में जो समानता की बात है, जो उत्पादन के साधन पर समाज के स्वामित्व की बात है, इससे गांधी सहमत थे। लेकिन गांधी ने उसकी जगह एक नई कंसेप्ट दिया, और उस कंसेप्ट के अंतर्गत गांधी ने कहा कि पूंजी और श्रम के बीच समायोजन होना चाहिए, इंटीग्रेशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो ये कैसे होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास अगर करना है तो पूंजी और श्रम के बीच अगर समायोजन नहीं है तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। तो गांधी ने कहा कि जो पूंजीपति है वो स्वयं को मालिक नहीं समझे, वे स्वयं को ट्रस्टी समझे, संरक्षक समझे कि हम अपने पूंजी के संरक्षण हैं कहें। और जिनके पास अपने से ज़्यादा पूंजी है वो पूंजी समाज के विकास के लिए दे दें। दूसरा, गांधी ने कहा कि जो लेबर है वो अपने को केवल श्रमिक नहीं समझे, वह पूंजी का भागीदार समझे, क्योंकि उत्पादन में श्रम की शक्ति पूंजी की शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। तो जो श्रमिक है वो उत्पादन के जो उपकरण है, जो व्यवस्था है, उसका पार्टनर है। जैसे श्रमिक अगर समझेगा कि हम तो लेबर हैं, हमको तो इतना ही रुपया मिलेगा, तो प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं देगा। गांधी कह रहे हैं कि वो उसका भागीदार है, पार्ट है। और अगर किसी मुद्दे को लेकर
विरोध अगर है तो विरोध की स्थिति में श्रमिक हड़ताल नहीं करे, क्योंकि उससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, राइट? उसका निराकरण पंच न्यायालयों के माध्यम से किया जाए, जिसमें एक तो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि होंगे, श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे और सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। तो पंच फैसला करे कि उस विवाद का क्या समाधान होना चाहिए, राइट? और अगर ऐसा हम करते हैं तो समाज में श्रम एवं पूंजी के बीच समायोजन स्थापित होगा और इससे समाज का आर्थिक विकास तीव्र होगा, राइट? यह है गांधी की इकोनॉमी से संबंधित और धारणा, राइट? ये तीन महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमी। तो सर वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते थे, मतलब इंडस्ट्रीज को? हाँ, बाद में गांधी ने जब 1930-39 वगैरह के बाद जब ये बातें आई कि जो बड़े उद्योग हैं उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो गांधी ने उसके पक्ष में बातें दी थी। देखिए, बेसिकली जब आप देखेंगे तो नेहरू और गांधी में विरोध था, क्योंकि नेहरू जो है मशीनीकरण के पक्षधर थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्षधर थे, और गांधी जो है मशीनीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोधी हैं, राइट? ये दोनों जब आपस में जब मिल रहे हैं, दोनों में काफ़ी विरोध है। गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट भी है नेहरू के बारे में कि गांधी कहते हैं नेहरू के बारे में कि वो मेरी भाषा नहीं समझते हैं, मैं उनकी भाषा नहीं समझता, लेकिन मेरे बाद वो मेरी ही भाषा बोलेंगे, है ना? तो किसी दिन हम लोग गांधी और नेहरू के कंपेरिजन को देखेंगे, और सच में आप देखिएगा कि आज़ादी के बाद नेहरू गांधी की ही भाषा बोल रहे थे। आज़ादी के बाद नेहरू गांधी की भाषा बोल रहे थे, क्योंकि दोनों में काफ़ी, नेहरू समाजवादी थे, समाजवाद में प्रशिक्षित थे, समाजवाद में नेहरू की काफ़ी आस्था थी, वैज्ञानिक समाजवाद में भी विश्वास करते थे, और गांधी समाजवाद के आलोचक थे, पूंजीवाद के आलोचक तो थे ही, समाजवाद के भी आलोचक थे गांधी। तो उसको देख लेंगे, किसी दूसरे दिन हम लोग देखेंगे। एक के पाँच मिनट में और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी धर्म के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे। देखो, रिलीजन के संदर्भ में गांधी जो है, मैंने पहले भी बात आपको किया कि रिलीजन जो है इसके बारे में गांधी पूरी तरह से धर्म के प्रति आस्थावान व्यक्ति थे, ये बात ध्यान में रखना। वो स्वयं को सनातनी हिंदू धर्म के अनुयायी कहा करते थे। सनातन, सनातन का मतलब होता है कि जो आरंभ से जो हिंदू धर्म की व्यवस्था चली आ रही है, सनातन का मतलब होता है जिसका आदि हो और जिसका न अंत हो, न आदि हो न अंत हो, वेदिक, उससे भी पहले। तो गांधी अपने जो धर्म की अवधारणा के अंतर्गत गांधी कह रहे हैं कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अपना मामला तो है ही, और हर किसी को ईश्वर को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। गांधी ये भी मानते हैं कि ईश्वर एक ही है और सत्य ही ईश्वर है। गांधी से पूछा गया कि ईश्वर क्या है, यानी कि राम के बारे में भी गांधी जो है, गांधी दशरथ के पुत्र राम में विश्वास नहीं करते थे, ये बात ध्यान में रखना। गांधी का अवधारणा था कि ईश्वर नामक सत्ता है जिसका कोई रूप नहीं है, और सभी धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है, लेकिन ईश्वर जो है वो सत्य है, वो समाज में मानवता का विकास करता है, वो नैतिकता का विकास करता है, वो आत्मबल का विकास करता है, वो लोगों में दूसरे के कल्याण करने की बात का विकास करता है, वो सामाजिक कल्याण की बात करता है, और इस रूप में गांधी ईश्वर में आस्था रखते थे। और गांधी का मानना था कि अगर समाज का विकास करना है तो समाज में धर्म को भी महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म के समाज नैतिकता विहीन हो जाएगा।
राइट, हम एक नैतिकता विहीन प्राणी के रूप में हो जाएंगे। और इसलिए सभी धर्मों के बीच समायोजन की बात तो करते थे, क्योंकि गांधी का मानना था कि सभी धर्म में एक ही बात है, मतलब ईश्वर तक पहुंचने का अलग अलग मार्ग है, इसलिए धर्म के आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए। इवन कि गांधी ने लोगों से अपील की कि जितना आप अपने धर्म को जानते हैं आपको दूसरे के धर्म को भी पढ़ना चाहिए, और जब आप दूसरे के धर्म को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उस धर्म में भी वही बात है जो हमारे धर्म में है। तो जो धार्मिक जो मतभेद है, जो सांप्रदायिक मतभेद है, वो समाज में कम हो जाएगी, राइट। तो इसके माध्यम से आप एक तरह से गांधीयन थॉट को आप समझें, हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और ये जो गांधीयन थॉट है ये बेसिक है गांधी के स्ट्रेटजी, गांधीयन मूवमेंट के लिए स्ट्रेटजी चाहिए, जिस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम देखेंगे कि गांधी ने किस प्रकार से एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है ना, केजरीवाल जी वाला नहीं, राइट। तो गांधी ने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की, जो पॉलिटिक्स सर्वसमावेशी विचारधारा पर आधारित थी, और उस पॉलिटिक्स के अंतर्गत गांधी ने जो स्ट्रेटजी बनाया, लक्ष्य हमने क्या कहा कि लक्ष्य स्वराज था, कुल मिला के लक्ष्य स्वराज है। अब उस स्वराज को प्राप्ति के साधन जो होंगे, मीन्स जो होंगे, वो होंगे सत्याग्रह, वो होगा अहिंसा, वो होगा असहयोग, वो होगा सविनय अवज्ञा, वो होगा उपवास, वो होगा शांतिपूर्ण प्रतिरोध, वो होगा अनशन, राइट। और ये सारे जो मार्ग हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये सारे मार्ग एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी स्ट्रेटजी पर आधारित है जहां नेता का जनता पर नियंत्रण होगा, अपनी राजनीति पर कंट्रोल होगा। क्योंकि हिंसा के माध्यम से अगर आंदोलन करेंगे तो आंदोलन नेता के नेतृत्व से बाहर चला जाएगा, राइट। और तब उसके बाद आप समझ पाएंगे कि गांधी ने जो मूवमेंट किया और उसके पहले जो चीजें हो रही थी, पहले वाले लोग क्यों नहीं इतना सक्सेस कर गया, पहले के जो लोग थे वो इतना सक्सेस क्यों नहीं हुए, और गांधी क्यों इतना सक्सेस कर गया, क्योंकि ये जो विचार है ना, ये सबको जोड़ने का काम कर रही है, राइट। तो पहले तो आप विचारधारा को समझ लीजिए, है ना, गांधीयन थॉट को समझ लीजिए। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको UPSC में भी और स्टेट पीसेस में भी इस पर आता भी है स्पेशली, और मॉडर्न इंडिया को खास करके गांधीयन जो मूवमेंट है उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो पहले थॉट को पढ़ लें, स्ट्रेटजी को पढ़ें, और फिर मूवमेंट पे जाएं, और तब फिर क्रिटिक्स वगैरह चीज़ों को आप देखें, है ना। तो आज इतना ही हम लोग रखें।